बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूँ मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहाँ भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल ने आज बरोज जुम्मा अब तक का सबसे बड़ा खड़ाक कर दिया है और आज उनका आखिरी दिन था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के दफ्तर में। जाते जाते चीफ जस्टिस ने जो काम कर दिया है, इसने पूरा पाकिस्तान, पूरी ऑपोजिशन, जनरल कमर जावेद बाजवा का दिया गया NRO 2 मलिया मेट करके रख दिया है और तमाम तर मुकदमात खोल दिए जाएं, ये हुक्मनामा अदालत से जारी हुआ है। और अटक जेल का कैदी नंबर 804 जो कि इस वक्त पाबंदे सलासल है, पूरा निज़ाम जिसे हराने की कोशिश में है, उसकी दरख्वास्त को मंजूर कर लिया गया है। पाकिस्तान की सियासत का सबसे बड़ा केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने महफूज फैसला सुनाया और इस सब के अंदर कुछ डिटेल्स हैं जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। और जिस तरह से PDM के पूरे NRO 2 को उड़ा के रख दिया गया है, उसे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने दबरदूस किया है और ये फैसला महफूज था, लेकिन जाने से आप कह लें कि ऑफिस आवर्स ख़त्म होने से आधा घंटा पहले ही चीफ जस्टिस ने ये बड़ा सरप्राइज दिया है और ये फैसला 2-1 का है, ये भी ज़हन नशीन रखिएगा। और नून लीग और पीपल्स पार्टी के कौन कौन से मुकदमात बहाल होने जा रहे हैं, नवाज शरीफ साहब का 21 अक्टूबर का पतन वापसी का मंसूबा जो है, क्या शेर इकबारी फेर जो है उसे ब्रेक लगने जा रही है, इस हवाले से बड़ी आम तरीन डिटेल्स हैं और इस मुकदमे के कुछ पहलू हैं जिन्हें समझना ज़रूरी है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह फैसला महफूज किया था और उन्होंने ये कहा था कि मैं अपनी रिटायरमेंट से पहले यह फैसला सुनाऊंगा, ही वेटेड फॉर द राइट मोमेंट। और उन्होंने एक और चीज़ कही थी कि ये शॉर्ट एंड स्वीट जजमेंट होगी जो कि पास की जाएगी आज सुबह जुमे के दिन। वैसे जुमा तो बहुत भारी पड़ता है इमरान खान के मुखालिफिन के लिए और अच्छा खासा भारी पड़ता है, तो वही रिवायत जो है वो बरकरार रही है। और एक मरतबा फिर आज सुबह जो अदालत की तरफ से ऑर्डर सामने आया कि नोटिस बराए तारीख ऐलान फैसला, और ये बेसिकली केस था इमरान खान साहब का, विफाक को इसमें फरीक बनाया गया था, स्टेट को इसमें फरीक बनाया गया था, वजारत कानून और इंसाफ को फरीक बनाया गया था, और ये जो नैब तरामीम की गई थी सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए, उन तरामीम के खिलाफ ये इमरान खान साहब का केस था। और आज के हवाले से मैं आपको ये भी बता दूं कि आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल का कमरा अदालत में आखिरी दिन था और ये आखिरी दिन जाते जाते फतेह मोहम्मद बंदियाल के बेटे ने एक बहुत बड़ा सरप्राइज दिया है। वकला ने चीफ जस्टिस के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया और चीफ जस्टिस ने कहा कि आपका शुक्रिया, मैं आपके लिए दुआगो हूँ। चीफ जस्टिस ने रिटायरमेंट से कबल आखिरी रोज की अदालती कार्रवाई अपनी मुकम्मल की। चीफ जस्टिस ने वकला को आखिरी दिन भी गुड टू सी यू बोला। ये गुड टू सी यू बहुत से लोगों के दिलों पर ताजियाना बन के पड़ता है, क्योंकि ये गुड टू सी यू चीफ जस्टिस ने इमरान खान को कहा था और उसे इन्होंने सर पे उठा लिया था और चीफ जस्टिस ने फिर उसी लफ्ज को नहीं छोड़ा और फिर सबको गुड टू सी यू कहा। वकला की जानिब से चीफ जस्टिस के सब्र तहमुल की तारीफ की गई और चीफ जस्टिस ने ये सब कुछ चीज़ें कही हैं और आज गालिब का एक मिसरा भी पढ़ा, ये हमारा फरीजा था, अल्लाह की खुशनुदी को जहन में रखकर काम किया, काले कोट का हमेशा बार से ताल्लुक रहता है। वकला से अब इंशाल्लाह बार रूम में मुलाकात होगी। मीडिया के दोस्तों का शुक्रिया जिन्होंने मुझे मुतहरक रखा, मीडिया की तनकीद को भी वेलकम करता हूँ, अदालती फैसलों पर तनकीद ज़रूर करें, जब जज पर तनकीद करें तो यकीनी बनाएं कि वो सच्चे हकाइक पर मबनी हो। चीफ जस्टिस ने गालिब का मिसरा भी पढ़ा कि दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। अब नाज़रीन इकराम, जो चीफ जस्टिस ने आज फैसला सुनाया है और जेल में बैठा इमरान खान जो है वो पाकिस्तान की अदालती तारीख के चंद अहम तरीन केसेस में से एक केस एक मरतबा फिर जीत गया है, उसकी दरख्वास्त जो है वो मंजूर हो गई है और इमरान खान फातह करार पाया है। और इसमें जो एक नुकता मैंने आपके सामने रखना है जिससे कप्तान की इज्जत और आपके दिल में बढ़ जाएगी, कप्तान भी इस नैब तरमीम के जरिए फ़ायदा उठा सकता था। कप्तान ने इस दरख्वास्त में लिखा कि ये जो नैब तरमीम इन्होंने की है, मैं इसका बेनिफिशरी बन सकता था, लेकिन नहीं, मुझे ये तरमीम मंजूर नहीं है, मुझे ऐसा फ़ायदा ही मंजूर नहीं है, मुझे ऐसा फ़ायदा ही कबूल नहीं है जो इस सब के अंदर हो। और चोरों, डाकुओं और लुटेरों के जो केसेस हैं वो एक मरतबा फिर बहाल हुए हैं और चीफ जस्टिस ने ये फैसला सुनाया है, ये 2-1 का फैसला है। और इस सब के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो बारीक नुकता है जो समझने वाला है, पहले मैं इस केस के मंदरजात आपके सामने रख देता हूँ। और इसमें जो निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ साहब हैं, उन्हें भी रगड़ा लग चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम के खिलाफ चेयरमैन PTI की दरख्वास्त काबिले समाअत करार देते हुए नैब तरामीम की 10 में से 9 तरामीम को कलदम करार दे दिया। उन्होंने नैब कानून के अंदर 10 तरामीम की थी, खुद को ये NRO देने आए थे। और अब वैसे ये सोच रहे होंगे PDM की जमातों वाले कि ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, इन्होंने ये सब कुछ
क्यों किया, इन्होंने ये पूरा रिजीम चेंज ऑपरेशन या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस चले इसे कह लें, ये क्यों हुआ था? ये इसीलिए हुआ था कि एक तो इमरान खान का खौफ था कि वो वापस ना आ जाए, अवाम में वो मकबूलियत ना उसकी बढ़ जाए। क्या हुआ, आज उसकी मकबूलियत इतनी बढ़ गई है कि अगर ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ना लाते, खान साहब अपनी टर्म पूरी करते, तो खान साहब की ये मकबूलियत ना होती। लिखवा लें, जो चीज़ हकीकत है वो हकीकत है। खान साहब की मकबूलियत इन्होंने टॉप पे पहुंचाई। इमरान खान को ये नाअहल कहते थे, इन्होंने साबित किया हम बड़े नाअहल हैं, हमसे बड़ा नाअहलों का टोला ही कोई नहीं है। अच्छा, उसके अलावा इन्हें इसमें मिलना क्या था? इस रिजीम चेंज ऑपरेशन में इनकी इमेज ख़राब हुई, इनकी सियासत हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो गई, ये अवाम में जाने के काबिल नहीं रहे। इमरान खान जेल में है, पूरी स्टेट मशीनरी जो है वो इमरान खान के ख़िलाफ़ है। पिशावर इमरान खान जीतता है, KP के अंदर दीगर इंतखाबात वो जीतता है, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर इमरान खान जीत जाता है। इन्हें क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। और ये बैसाखियों पर भी अब नहीं चल सकते, इनकी हालत उस अपाहिज की तरह हो चुकी है, उस माजूर शख्स जैसी हो चुकी है जिसके पास बैसाखियां तो हैं क्योंकि पैर नहीं है, लेकिन उन बैसाखियों को पकड़ने के लिए इनके पास हाथ तक नहीं रह गए। लेकिन इस सब के अंदर पीछे बचता क्या था? NRO पीछे बचता क्या था? केसेस अपने माफ करवाना, नैब तरामीम। और वही उठा के चीफ जस्टिस ने अपने आखिरी मुद्दत मुलाजमत के आखिरी रोज फैसला सुना दिया है। चीफ जस्टिस बंदयाल ने कहा कि लेडीज एंड जेंटलमैन, 2-1 की अक्सरियत से फैसला सुना रहे हैं। और बड़े आज एक डिफरेंट अंदाज में चीफ जस्टिस ने यह फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच में शामिल जस्टिस मंसूर अली शाह ने फैसले पर इख्तलाफ किया। अदालती फैसले में कहा गया है कि नैब तरामीम के खिलाफ दरखास्त काबिल समाअत करार दी जाती है, 500 मिलियन की हद तक के रेफरेंस नैब दायरा कार से खारिज करार देने की शिक कलदम करार दी जाती है, ताहम सर्विस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ रेफरेंस फाइल करने की शिकें बरकरार रखी जाती हैं। अदालत ने 50 करोड़ की हद से कम होने पर खत्म होने वाले तमाम तर मुकदमात बहाल कर दिए। उन्होंने कहा था कि 50 करोड़ से अगर कोई एक मुकदमा कम है ना, तो आप उसे बंद कर दें, वो नैब का दायरा इख्तियार ही नहीं है। ठीक भाई, तुक नहीं ना बनती, मतलब मैं 49 करोड़ की करप्शन कर लूँ वो ठीक है, नैब मुझे कुछ नहीं कहेगा, 50 नहीं करनी, 49 की बेशक 10 करप्शन कर लूँ वो अलाउड है। अजीब सी चीज़ थी ना। अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि अवामी ओहदों पर बैठे तमाम अफराद के मुकदमात बहाल किए जाते हैं, अवामी ओहदों के रेफरेंस खत्म होने से मुतल्लिक नैब तरामीम कलदम करार दी जाती हैं, नैब तरामीम के सेक्शन 10 और सेक्शन 14 की पहली तरमीम कलदम करार दी जाती है। अदालत ने तमाम तर मुकदमात बहाल कर दिए हैं। अदालत ने कहा है कि तमाम खत्म इंक्वायरीज केसेज बहाल किए जाते हैं और तमाम केसेज नैब अदालतों और एहतसाब अदालतों में दोबारा मुकर्रर किए जाएँ, यानी उन्हें वापस भेजे जाएँ। नैब को 7 दिन में तमाम रिकॉर्ड मुतलका अदालतों में भेजने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने कहा है कि प्ली बार्गेन के हवाले से की गई नैब तरमीम कलदम करार दी जाती है, एहतसाब अदालतों के नैब तरामीम की रोशनी में दिए गए अहकाम, जो इन तरामीम की वजह से एहतसाब अदालतों ने ये केसेस वापस भेजते गए ना, वो सारे अहकाम नैब अदालतों के जो थे वो भी कलदम करार दिए जाते हैं। अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि नैब तरामीम से मफाद आमा के आइन में दर्ज हकूक मुतासर हुए हैं, नैब तरामीम के तहत बंद की गई तमाम तहकीकत और इंक्वायरीज बहाल की जाएँ। याद रहे कि PDM की हुकूमत ने नैब तरामीम की थी, जिस पर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने नैब तरामीम के खिलाफ दरखास्त की थी। और इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि 53 समातें की हैं, 53 हियरिंग्स हुई हैं इमरान खान साहब के इस केस के ऊपर, और 3 रुकनी बेंच ने 5 सितंबर को केस का फैसला महफूज किया था। और इस हवाले से चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा था कि रिटायरमेंट से पहले मैं शॉर्ट एंड स्वीट जजमेंट जो है वो सुनाऊंगा। अब यहां पर सवाल यह पैदा होता है नाज़रीन इकराम के, कौन कौन लोग हैं जो इससे मुतासर होने जा रहे हैं, जिन्हें रगड़ा लगने जा रहा है? वैसे तो नामवर सियासी खानदानों के दर्जनों मेगा करप्शन केसेज जो हैं वो एक मरतबा फिर बहाल हो गए हैं, मगर चीदा केसेस में शामिल हैं शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ के खिलाफ तोशा खाना केस बहाल, आसिफ जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ भी तोशा खाना का जो केस है वो बहाल हो चुका है। आसिफ जरदारी के खिलाफ पिंक रेजिडेंसी रेफरेंस भी बहाल हो गया। इसके अलावा राजा परवेज अशरफ, ओमनी ग्रुप के अब्दुल गनी मजीद और अनवर मजीद के मुकदमात भी बहाल हो चुके हैं। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, मौलाना फजल रहमान, मरियम नवाज, फरियाल तालपुर, इसहाक डार, ख्वाजा आसिफ, ख्वाजा साद रफीक, राना सनाउल्ला, जावेद लतीफ़, मखदूम खुसरो बख्तियार, आमिर कियानी, अकरम दुरानी, सलीम मांडवीवाला, नूर आलम खान, नूर आलम खान जहन में रखिएगा, ये वो PTI के जो लोटे हो गए थे। अच्छा जी, नवाब असलम रेसानी, डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच, नवाब सनाउल्ला जहरी, बरजीस ताहिर, नवाब अली वसान, शर्जील इनाम मेमन, अनवारुल हक काकड़, निगरान वजीर आजम जी, लियाकत जतोई, अमीर मुकाम, गुराम बुगटी, जाफर खान मंदोखेल, गवर्नर जो हैं गिलगित बल्तिस्तान सैयद मेहदी शाह, इन सब के केसेस जो हैं वो बहाल हो गए हैं। और जो सबसे बड़ा मेजर बेनिफिशरी था इस सब के अंदर वो शहबाज शरीफ साहब थे, क्योंकि सबसे ज़्यादा केसेस जो हैं उनके बेसिकली इस सब के अंदर नैब तरामीम की वजह से। और ये NRO 2 का जनाजा है जो आज जुमे के दिन उठा है, और जनरल बाजवा का NRO 2 जो है वो समुंदर गर्क हो चुका है।
अच्छा नाज़रीन इकराम, यहाँ पर एक और चीज़ भी है कि 450 से ज़ायद साबिक अरकान पार्लियामेंट, 450 फॉर्मर पार्लियामेंटेरियंस, हाजिर सर्विस और रिटायर्ड अफसरान, इसमें हर तरह के अफसरान हैं, हाजिर सर्विस और रिटायर्ड अफसरान और कुछ प्राइवेट कारोबारी हजरात नैब के रिडार पर हैं। तकरीबन 1809 रेफरेंसेज, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरीज और शिकायत दोबारा खुल गई हैं। ये सिर्फ रेफरेंसेज, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरीज नहीं, इनमें शिकायत भी थी। 700 अरब के मुबैना करप्शन केसेस भी खुल गए हैं। 7 साबिक वज़राए आज़म, 7 फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स, 14 वज़राए आला, 78 वज़रा, 176 MPA और 114 अफसरान के केसेस खुल गए हैं। और इस सब के अंदर नैब और एहतसाब अदालतों के सारे ऑर्डर्स कलदम करार दे दिए गए हैं। और अब ये सारी चीज़ें जो हैं ये बहुत वाज़े हैं, बहुत क्लियर हैं। और आज इमरान खान को एक बहुत बड़ी फतह मिली है। ये इमरान खान की ज़ात के लिए फतह नहीं है, लेकिन ये इमरान खान के उस मिशन के लिए, करप्शन का खात्मा यही एक एजेंडा था। आज जेल में बैठा इमरान खान पाकिस्तान की सियासी तारीख के चंद अहम तरीन केसेस में से एक केस जीत चुका है, और वो आज एक मरतबा फिर जेल में बैठकर, वो कभी इंतखाबी मैदान में इन्हें हरा देता है। और आज जनरल बाजवा का एनआरओ, एक एनआरओ था ना जिस पर खान साहब तनकीद करते हैं, जनरल मुशरफ का एनआरओ, उस वक्त तो जाहिर बात है चीज़ें नहीं हो सकें और उस एनआरओ के बेनिफिशरीज थे, वो एनआरओ मुकम्मल हुआ। आज इमरान अहमद खान नियाजी ने कैदी नंबर 804 अटक जेल में जो इस वक्त मौजूद है, जिसके ख़िलाफ़ पूरा निज़ाम, पूरा जो सिस्टम है वो उस शख्स के ख़िलाफ़ है, उसने पूरे सिस्टम की हर चीज़ को जो पिछले 1.5 साल के अंदर फ़ायदे दिए मल्टीप्लाई बाई 0 कर दिया। अब नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी हो या दीगर चीज़ें जो हैं, हर चीज़ इस वक्त खटाई में चुकी है, और अब इन सब को अपनी अपनी पड़ेगी। आप आइंदा आने वाले दिनों में देखेंगे, और मैं मजीद इसकी कुछ चीज़ें भी आपके सामने रखूंगा। निगरान वजीर आजम साहब भी अब नैब में, अगर इतनी पावर है नैब में, इतनी हिम्मत है, और चूंकि हमारे चीफ भी ये बात कर चुके हैं कि करप्शन का खात्मा बड़ा ज़रूरी है, तो हमें तो अच्छी एक्सपेक्टेशन ही हैं कि अब कानून है, नैब तरामीम कलदम हो गई है, जो जो करप्शन के अंदर मुलविस है सबके साथ आनी हाथों से निपटा जाए, अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए सबसे। अक्रॉस दी बोर्ड एहतसाब हो तब मजा आता है, तब फ़ायदा होता है, वरना तो कानून मकड़ी का वो जाला है पाकिस्तान के अंदर, जिसमें हशरातुल अर्ज और छोटे इंसेक्ट्स जो हैं, जानवर जो हैं रिंगने वाले, वो फंस जाते हैं उस मकड़ी के जाले में, और बड़े जो जानवर हैं, हैवान जो हैं, बड़े बड़े जो मगरमच्छ हैं, वो उस मकड़ी के जाले को फाड़ के निकल जाते हैं। ये हमारे मुल्क में कानून है, लेकिन देखते हैं कि कानून की बालादस्ती होती है या नहीं। लेकिन आज एक और जुम्मा पीडीएम पर भारी पड़ गया, और इन्हें कुछ नहीं मिला, ना ये घर के रहे हैं ना घाट के, सियासत भी गई और जो उससे फ़ायदा लिया था NRO2 वो भी आज इख्तिताम पज़ीर हुआ है। अपना बहुत ख्याल रखें, अल्लाह निगहबान पाकिस्तान, जिंदाबाद।